नमस्कार दोस्तों। एक बार एक बहुत काली गहरी सी साया सा एक गांव की तरफ भागता हुआ जा रहा था। लेकिन उसी बाई चांस की बात है कि उस टाइम उस गांव में एक बहुत बड़े ऋषि मुनि आए हुए थे और वो उस टाइम उन्होंने ध्यानस्थ थे, तो उन्होंने इस काली छाया को गांव की तरफ प्रवेश करते हुए देख लिया। उन्होंने फौरन उसका रास्ता रोका और उससे पूछा, रुक, कहाँ जा रही है? इस टाइम ये गांव मेरी शरण में है, तुम इस गांव में क्या करने जा रही हो और कौन हो तुम? ये काली छाया रुक गई और इसने बोला, मैं महामारी हूँ और मैं इस गांव से कम 100 लोगों को लेकर जाऊंगी। इस ऋषि ने मना किया कि इस गांव में इस टाइम मैं हूँ और मैं इस टाइम यहाँ से तुम्हें किसी को नहीं ले जाने दूँगा। तब ये काली छाया बोली, ये तो विधि का विधान है, 100 लोगों को तो मैंने लेकर ही जाना है। विधाता के काम में तुम अड़चन नहीं डाल सकते। ऋषि थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसने बोला, ठीक है, ध्यान रहे 100 से एक ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बात पूरी हुई, ऋषि अपने आश्रम में चले गए और ये काली छाया अपने काम में लग गई। लेकिन हैरानी की बात है कि सुबह ऋषि को खबर मिली कि गांव में लगभग 250 लोगों की मृत्यु हो गई है। ऋषि सोच में पड़ गए कि ये कैसे, जब उस काली छाया ने विधाता के विधान के अनुरूप 100 लोगों को लेकर जाना था, तो ये 250 लोग कैसे मृत्यु को प्राप्त हो गए? उन्होंने फौरन उस काली छाया का स्मरण कर उसे बुलाया और उससे पूछा, ये क्या माजरा है? तब वो काली छाया एकदम बोली, मैं तो यहाँ से 100 ही लोगों को लेकर गई हूँ, बाकी के जो 150 लोग हैं वो तो डर और भय के कारण भयभीत होकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस टाइम देश एक महामारी से जूझ रहा है और आपकी रक्षा सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति कर सकता है और वो खुद आप हैं। आप सबसे मैं एक रिक्वेस्ट करूँगी, घर में रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।